वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। आज एक्चुअली मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उसका ही आज हम सेलिब्रेशन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अभी मॉम डैड गए बाहर कुछ शॉपिंग करने, जनरल चीज़ें, केक वगैरह और बाकी जो कुछ भी चीज़ें लगती है सेलिब्रेशन के लिए, उन चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए वो गए हैं। मैं अभी फिलहाल पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ, तो जब तक वो आएंगे तब तक मैंने अपना एक इम्पॉर्टेंट काम निपटा लिया है। तो अभी हम सब मिल के जाएंगे सेलिब्रेशन करने के लिए बाहर एक जगह पे। ये एक पार्ट है सेलिब्रेशन का। रात को भी हम एक सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन वो क्या कि वो एक मिनी पार्टी टाइप सेलिब्रेशन होगा, जहाँ पे कुछ लोग आएंगे और मिल के हम सेलिब्रेट करेंगे। उसके लिए खैर आपको पता है सभी लोग ऐसे कैमरा फेस नहीं करते, कुछ लोग कैमरा शाय है, तो इसकी वजह से और उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन करने के लिए हम रात को शूटिंग नहीं कर पाएंगे, और लाइट्स की भी कमी होती है तो वो अच्छा नहीं लगता शूटिंग। तो अभी वेल लिट कंडीशंस है, बारिश रुक चुकी है पूरी तरह से, सन थोड़ा थोड़ा निकल के आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम अपना सेलिब्रेशन कर लेंगे तीनों का बाहर जाके, और वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप भी जुड़ सको हमारे साथ इस सेलिब्रेशन में। मॉम डैड आने के बाद कार निकालेंगे और जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं केक लेने के लिए आ गया हूँ पूना बेकरी में। अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कौन सा लेने का, ये लूप या ब्लैक फॉरेस्ट लूप। अक्षु भी साथ में नहीं है अभी, तो कौन सा लेने का अभी कंफ्यूजन चल रहा है मेरा। सब देखे लेकिन कौन सा पसंद तो नहीं आ रहा है, देखिए ये फाइनल करता हूँ। शायद अक्षु को और अशु को दोनों को पसंद आ जाएगा, जो हम हर वक्त लेते हैं वो तो नहीं आए, लेकिन ये लेंगे अभी। चलो अभी अक्षु से बात हो गई तो उन्होंने बोला कि ये ले लो, अभी ये लेता हूँ, फाइनल किया अभी। मस्त है एकदम, अच्छा हो गया। चलो अभी देख लीजिए, निकलता हूँ। मामला आ चुके, हम निकल चुके, कंपैरेटिवली जल्दी आ गया आप। क्योंकि अलग अलग शॉपिंग की ना, शाम के फंक्शन की तैयारी सब मैंने अलग से कर ली, और केक किलो केक। अच्छा हो गया, मैं उधर केक लेने गया और तुम इधर गई ना, तो जल्दी हो गया संभाला, और ये मैंने इसलिए एट अ टाइम हो गया। अच्छा टाइम हो गया। अभी हम जा रहे केक कटिंग के लिए। क्या चल रहा है, सभी लोग इधर अभी 8-10 लोग इकट्ठा हुए थे, वो सभी अभी लेफ्ट में जा चुके हैं, पीछे वाला ट्रिगर होके चला भी गया। आज क्या है, पूरा मॉम डैड का दिन है आज। सॉन्ग्स भी मैंने उन्हीं के लिए लगाया है, स्पेशल प्लेलिस्ट बना के। वैसे तो हमारा हर दिन स्पेशल ही होता है, क्या कहती हो, अक्षु ने कुछ ज्यादा ही स्पेशल बनाया है। मेन एंट्री हो चुकी है, ये इन्होंने अच्छा किया है अभी ऐसा होल्ड करने के लिए। हाँ, वो अच्छा किया है। बाहर के नज़ारे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल केक चूज किया डायट ने। अरे वो रोज हनी था ना, हाँ वो तो बहुत पसंद था। हाँ लेकिन वो ये टाइम नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं ये भी बहुत अच्छा, देखने से बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे क्या है, रोज की चॉइस पसंद है, आप रोज लाओ, हनी लाओ, या दोनों साथ में, मुझे आपकी चॉइस देखती हूँ। वाह, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। ये सब आइडिया आपके पास। अच्छा क्या है ऊपर, तो मैंने बोला केक ये वाला है, तो बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन वो कैंडल भी साथ में लाना, मॉम को कुछ नहीं बताना। अच्छा है प्लानिंग, लेकिन मुझे भी कुछ तो बताया था ना, हर टाइम तुम्हारा ये होता है, दोनों कुछ तो डिसाइड कर लेते हो और ये सरप्राइज रहता है। ये सरप्राइज तो इसी को कहते हैं। अभी गाना कौन सा बोलना है? हैप्पी बर्थडे रूट्स और आशू को बोलो। ये वेडिंग का हैप्पी बर्थडे है। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वेडिंग ऑफ मॉम एंड डैड। थैंक यू। थैंक यू। आपने कल रात 12 बजे से हमको फोन करना स्टार्ट कर दिया, एंड सभी जगह आप मैसेजेस कर रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी शुभकामनाएं मिल रही है, ऐसा ही प्यार हमें देते रहिए। पिछले साल जब हमने ब्लॉग डाला था तो याद रख के ये फोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, मैसेजेस व्हाट्सएप, इंस्टा, सभी जगह पे आ रहे हैं। दिन से शुक्रिया आपका। थैंक यू गाइस। इसकी थिकनेस कुछ आर्टिफिशियल नहीं लगती मॉम तुम्हें? नहीं, कौन सा और होता है ना, इसकी वजह से ठीक होता है। हाँ। सभी रिक्शाओं का यहाँ पे
पूजा की है। हमको घर जाके अभी बहुत सारी तैयारी करनी है, इसलिए यहाँ पे फटाक से एक छोटा सा कॉफी ब्रेक ले लिया, क्योंकि यहाँ की कॉफी पिए बिना जाया नहीं जा सकता। लेकिन अब निकलना चाहिए, अब निकलना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन है, बहुत प्रिपरेशन है, और बाहर आ गए तो कैसे वक्त चला जाता पता नहीं चलता। चार घंटे तो हो गए। अभी जल्दी से घर जाके सभी तैयारियां करनी पड़ेंगी। अभी मेन सेलिब्रेशन बाकी है, ये अभी कुछ छोटा सा सेलिब्रेशन था जो हमने एक साथ किया। अभी तो शेयर करना ही चाहिए, ये किया। और अभी मेन सेलिब्रेशन है, जैसा कि मैंने सुबह बताया,